धनराशि का प्रश्न था वो भी 7 करोड़ रुपए था, लेकिन किसी को अपराध नहीं हुआ। और आज जब हम दोनों के साथ बैठे हैं और इनकी विजय के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं तो जाहिर है बहुत अच्छा लग रहा है। जी मान्यवर, अभी तक उन्होंने हमारे को देखा नहीं है। वो टेलीविजन पे हम कभी आ जाते हैं आते जाते तो वो देख करके चल पड़ती हैं आगे, इतना ध्यान नहीं देती हैं वो मुझे लगता है। थोड़ी सी निराशा है इसके बारे में, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके ये प्रश्न पूछने के बाद मैं उनसे जाकर के कहूँगा कि पत्रकार जो है वो पूछ रहे हैं कि आप हमारा शो क्यों नहीं देख रहे हैं। हमारा एपिसोड दिखा देंगे। तो उनका जो एपिसोड है वो उनको मैं दिखाऊंगा। हालांकि उन्हें ज्यादा अभी तक जानकारी नहीं है, अभी 3 वर्ष की हुई नहीं है वो, फिर भी यदि आपसे कभी मुलाकात होगी उनकी तो आपके चेहरा को अवश्य पहचान जाएंगे, क्योंकि आप कमीज के ऊपर एक चिड़िया बनी हुई है, उस चिड़िया के ऊपर उनका ध्यान ज्यादा जाएगा इस पर आपके चेहरे पर, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बच्ची है तो ये छोटी छोटी चीजें जो है उनको ज्यादा आकर्षित करती है। जी जब भी कोई चरम सीमा तक पहुंच जाता है तो जाहिर है बहुत ही अच्छा लगता है, और हम सब इसी उम्मीद के साथ यहाँ प्रतिदिन आते हैं कि कौन खेल खेलेगा, कैसे खेलेगा, कहाँ तक जाएगा। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मुझे तो लगा नहीं कि इनको लाइफ लाइन की आवश्यकता पड़ी। जितने भी लाइफ लाइन जिन्होंने लिए उससे पहले, जाने से पहले इन्होंने संकेत दे दिया था कि ये कह सकती है यही है, लेकिन चलिए लाइफ लाइन है तो ले। और ये 14वें प्रश्न तक ऐसे ही धारणा रही, भाई कोई आसान प्रश्न नहीं है। आपसे अगर मैं पूछूं होगी कि हेक्टर नाम का जहाज ब्रिटेन से सूरत में कमर्शियल बिजनेस के लिए पहली बार जब आया उसका कमांडर या कैप्टन कौन था उस जहाज का, आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल प्रश्न है। उसका जवाब आपको मालूम है सर, किस पर्पस से आया था ये भी मालूम था, किस वजह से आया था वो जहाज वो भी पता था। तो ये देखिए ये बहुत ही अद्भुत का ज्ञान, और इसकी हम सराहना करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे के जो कई बार गेस करके या तुक्का लगा करके उनका सही हो जाता है। जी अलग अलग संख्याओं में पहुंचे हुए हैं और उनका लगता है कि चलिए ये गेस कर लिया हो गया, रिस्क लेते हैं। खेल के पूरे दौरान में उन्होंने कभी कोई रिस्क लिए मैं ये कहना चाहूंगा, हमें घबराहट बहुत हो रहा था, क्योंकि हालांकि ये संकेत दे रहे थे पर कितना जानकारी थी या इंट्यूशन से हो रहा था, जैसे हमारा एक तिलकधारी थे पहले से कुछ ऐसे ही खेल रहे थे और लाइफलाइन चेतावनी पर आखिर तक वो कुछ उस तरह जा रहे थे, पर हमें नहीं पता है। और अमित जी को जवाब तो पता नहीं होता क्योंकि हम बताते नहीं है पहले से, कंप्यूटर जी को ही पता रहता है। तो उस तरह से अब ऐसा हुआ कि लाइफलाइन लेने के बाद पता चला कि सही है, और तक हमें पता नहीं चल रहा था कि किस वक्त, क्योंकि कुछ कुछ चीज ऐसे कह रहे थे बाकी चॉइसेस के बारे में तो घबराहट हो रहा था कि वो सही जाएंगे कि नहीं, पर वो सही पहुंचे वहां पे और करते रहे। एंड दे यूज्ड ऑल देयर लाइफलाइंस व्हिच इज गुड टू प्ले सेफ, बट इन्होंने बहुत ही संभव को असंभव किया, और पर बहुत देखते वक्त सभी लोगों को बहुत घबराहट हो रहा था। हमारे त्रिगुनी है वो भी घबराए हुए थे, हम भी घबराए हुए थे कि वो खाई पे फिसल ना जाए, गिर ना जाए। लेकिन एक चीज उन्होंने सिद्धार्थ से एक चीज उन्होंने कही कि वो टेलीफोन ब्रांड को पढ़ते थे आपके शो को जीतने के लिए। ऐसा है कि जितना भी उन्होंने पढ़ाई की हो, जितने भी किताब का अध्ययन किया हो, वो हम आपको बताएंगे, हमारा एक डेटाबेस होता है, लाखों क्वेश्चन है वहां पे, हम कभी भी आइडेंटिकल क्वेश्चन कभी नहीं यूज करते, और वो लाखों क्वेश्चन है अगर किसी ने वैसे तैयार किया। और जैसे संगीत में होता है ना, तो 7 स्वर होते हैं तो गीत तो बहुत हो सकते हैं, मुगल का हो तो मुगल के बारे में कुछ ना कुछ तो निकल आएगा, पर इस तरह से
इस तरह का सवाल किसी किताब में नहीं मिला होगा या कि पहले किसी केबीसी में नहीं मिला होगा, पता नहीं डेरेक को अगर पहला पता होता कि हम क्या पूछने वाले, शायद वो अलग बात है कि अगर वो क्लेयरवॉयंट है कि वो यू नो ही कुड लुक फॉरवर्ड, ऐसा अगर कुछ हुआ तो बेसिकली उसने तैयार खूब की, पर इस तरह के सवाल आप सिर्फ किताब को पढ़ के नहीं जवाब दे सकते, राइट? सॉरी साधन कई सालों से, हाँ जी मैंने उनकी तैयारी एनालाइज नहीं करी, बट मैं ये कहना चाहूँगा जो इनके सवाल थे बहुत ही एनालिटिकल सवाल हैं, मतलब आपको यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन्स। जो मैंने आंसर्स करे थे मैंने एलिमिनेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया कि ये चॉइस किस तरीके से एलिमिनेट हो सकती है इस क्वेश्चन के लिए। अगर आप एपिसोड देखेंगे जब भी टेलीकास्ट आएगा तो एलिमिनेशन का प्रोसेस भी यूज़ करा है मैंने। और जो सवाल के जब आंसर तक आप पहुँचोगे तो आप सवाल के एक एक चीज़ को एनालाइज करो तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हो, उसके बिना आप डायरेक्टली आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आप नहीं देते, इट्स नॉट इजी एनीमोर। अभी जी, वो दिन याद आता है जब कभी आपको इतनी बड़ी धनराशि या इस तरीके की धनराशि आपको मिली और आपने खर्च किया हो उस चीज़ में? नहीं भाई साहब, अभी तक इतनी बड़ी धनराशि मिली नहीं। 90s में 80s में कभी कुछ ज्यादा पैसे आपने कहीं? भाई साहब 90s 80s में कुछ नहीं होता। प्रतिवर्ष प्रतिदिन प्रति क्षण हमको घबराहट होती रहती है, यार जो खेलने आएगा कैसे खेलेगा, उसका स्वभाव क्या होगा, आगे बढ़ पाएगा कि नहीं। और जब ये पहुंच गए वैसी जगह पर जहां पर 25 लाख 50 लाख की बात थी, तो हमें जैसे कि अभी सिद्धार्थ कह रहे थे, हमें बड़ी घबराहट हो रही थी कि इतनी दूर जो लोग इतना अच्छा खेले हैं अब यहाँ से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और फिर अचानक ये 1 करोड़ जीत गए और आगे खेलने के लिए भी तैयार हो गए। हमने सोचा कि अब कई बार हमने इनसे कहा कि देखिए 1 करोड़ रुपए जो है वो कम धनराशि नहीं होती है, बहुत सोच समझ कर खेलिए, अगर आपको सही उत्तर मालूम तो ही खेलिएगा। लेकिन 1 करोड़ के बाद इनके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी, 1 करोड़ पहुँचने के बाद भी इनके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी, और जैसे ही मैंने कहा इनको लाइफलाइन की जरूरत थी ही नहीं। सार्थक जो है मैं इनकी तरफ से बोल रहा हूँ, ये इनके गोलक चार्म, क्योंकि ये अकेले प्रयत्न कर रहे थे शो में आने, और इन्होंने बताया 14 साल से लगे हुए, तो 14 साल तक जब इनको नहीं हुआ तो इन्होंने सार्थक को पकड़ा कि तुम आ जाओ भाई, और जैसे ही इन्होंने कहा कि सार्थक तो हम जाएंगे जोड़ी स्पेशल में, वैसे ही इनका नंबर आ गया। तो ये मानते हैं कि सार्थक जो है इनके गोलक चार्म। एनालाइज करा था? नहीं, इतना तो आप यहाँ के सोच ही नहीं सकते। ये मैंने सोचा था, ठीक है, ये मैंने सच बताऊं तो मैंने पहले सोचा था, मतलब शो में आने से पहले कि मतलब देखता हूँ जो जैसे जो सबसे कम होगा वो, बट मैं सच बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद, इनफैक्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन था हमें वो बहुत टफ लगा था क्योंकि मिस्टर बच्चन सामने थे, तो हमें बहुत, और मेरे को इनको मिस्टर बच्चन कहते हुए मतलब मैं बहुत छोटा फील करता हूँ, मैं तो इनको जैसे अमित अंकल बोलना चाहिए मेरे को, तो इनको मेरे से इतने बड़े अंकल दादी रखिएगा, दादी को मत बोलिए। नहीं, इनफैक्ट और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम 5000 वाले क्वेश्चन पे भी हो सकता है ड्रॉप हो जाते क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन, एनालिटिकल था। मैं क्वेश्चन तो रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप मेरे को उसके बाद पूछेंगे तो मैं बताऊंगा हम 2 choices में बहुत कंफ्यूज थे जो कोई भी मेरे ख्याल से हो जाता, बट मैंने वो बता सकते हैं क्या था वो प्रश्न? वो क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में इनमें से कौन सा टर्म यूज होता है, मोड यूज होता है, तो उसमें एक स्टैंड भी था और फ्लिप भी था, और स्टैंड बाय कई इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे टीवी में भी स्टैंड बाय होता है, तो यू गेट कंफ्यूज, बट मैंने फ्लिप मोड क्योंकि खुद मैंने लैपटॉप वैपटॉप यूज करता हूँ तो उसमें होता है और मैंने यूज करा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं फ्लिप मोड ही होगा,
इवन ही वाज कंफ्यूज और वो हमारा पहला क्वेश्चन था तो मैं तो उस क्वेश्चन में खुद ही स्लीप मोड में चला गया था एंड द रिएक्शन व्हिच ही गिव हमें लगा हमारी स्लीपनेस हम तो स्लीप मोड में ही जाएंगे Ma'am, I think it would amaze anybody. Even if you were sitting in my chair, you would be equally excited. Because it's a moment of great euphoria. You virtually live inside their being, inside their body, from the moment they come onto the floor. They talk about their life, they talk about their problems, they talk about their issues. You study whatever the information that they have passed on to the game show. And in a sense, for the moment that they are there in front of you, you are a part of their body, their being, their mind. A lot of it, sometimes when we ask questions, even though it's silent from my side, you know, I'm always trying to look, are they going to get this, are they not going to get it? And there's that question mark and anxiety, as much as though I was playing the game. I think it's not just a question of, you know, sitting there announcing a question and announcing the results. I think it's important for me, at least, as an anchor, as a host, that they be treated as guests in my house, and the same kind of treatment I would give to people that come to visit me in my home, I would give to the contestants that come there. And sometimes their own personal stories are so moving, so inspirational, that you get involved in that. And when you hear their stories, you really want that. I hope that they can fulfill their desire, fulfill the need that they have come here for. And I don't know whether it's appropriate to talk about it right now, but I'll still say, just to strengthen my point, these two gentlemen come from a business family. Their business went through a very rough period. They were doing business in mattresses. Their father was doing business in mattresses. Due to certain change in regulations of the law in the city they were in, they had to move out. And once they move out, they did not get the right amount of space or the environment to continue their business. It came a stage in their lives when they had to sell their home. And I think all of us know how important that is and how emotional a moment that can be for any family when they have to sell their home to just survive, to be able to eat. Apart from that, when that happened, they suddenly discovered one day that their mother was suffering from ovarian cancer. And it was their greatest regret that they were not able to detect it early, and by the time they went to the doctor, it had already reached a fairly advanced stage. One of the things that they came to say at the show was that, A, I want to be able to pass a message to everybody that if you are possibly detecting something that is wrong with your system, don't waste time. Go to the doctor immediately so that you can have the, you know, the help from the doctors to be able to cure something that can be caught at the early stages. That is one of the things that they said. And I think that's a fantastic message that they gave. Go out in time. And the other was that I want to make money so that my father, that we can buy back that house or buy another house which my father has lost. And I think that these are very, very, you know, very strong emotions. And then when you see them winning 7 crore rupees, when he reached about, I think, 20 or 25 lakhs, he says, I'm very satisfied because I'll be able to take care of my mother. And I thought that that was a great moment when he knows that he's won 25 lakh rupees and he'll be able to provide the money that is required to do the treatment of his mother suffering from cancer. But then he just went on and on and on. And naturally, you feel very excited. I mean, your emotion and your excitement is exactly as this. When you see the show, you will see that their reaction when he won the 7 crore is, of course, a lot more mobile than I was. But all the same, yes, it's a great moment. It's a great moment. I generally feel very happy when people win this amount. All of them, as I said. I don't care whether they make 5,000 or 7 crores. For me, they are just the same. Absolutely, and we keep meeting him every now and then. Sometimes we invite
some of our winners. We've had our Triguni now, which sits up there, as you can see, and if you've been seeing the show, you know. And all of them are, you know, either winners of very high degree, 25 lakhs, one crore. We had Shreem Kumar here as one of our Triguni. So I think that that's a wonderful effort by Siddharth and the Synergy team to keep them involved, you know, to bring them in a capacity where they can be of some help, even though they've, you know, won and gone away.